घरौत नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 5 में, वार्ड क्रमांक 5 में त्रिकोणी मुकाबला है। यहाँ सामान्य वर्ग की सीट है, पर खाती समाज बहुल्य वार्ड होने से दोनों ही महत्वपूर्ण पार्टियों ने अपना दाव एक ही समाज पर खेला है। भाजपा से महेश मालवी तो कांग्रेस से पंकज बमोरिया मैदान में है, तो वहीं तीसरे मोर्चा ब्रजेश काला जो सामान्य वर्ग से आते हैं, वह भी चुनावी मैदान में दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों को टक्कर दे रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में? मुद्दे मेरे कोई नहीं है, मेरा राजनीति कोई लक्ष्य नहीं है, मेरा एक बार सेवा करना ये लक्ष्य है। मेरे को कोई राजनीति वाला कोई उद्देश्य नहीं मेरा। छोटी छोटी समस्याएं बहुत सारी रहती है, कोई पार्षद हमेशा पार्षद बनने के बाद काम में ध्यान नहीं देता है। 177 योजनाएं आती नगर पालिका से, एक भी पार्षद अगर बता दे तो आज मैं समर्थन देने के लिए रेडी हूँ। तो 177 योजनाएं हर वार्ड के हर मेंबर तक पहुँचनी चाहिए, वो छोटा हो गरीब हो कैसा हो। छोटी छोटी समस्याएं, कूपन, सफाई, आवाज़ जैसी, जिन लोगों के एक्चुअल होने थे वो नहीं हुए, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। और राजनीति मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, एक बार मौका चाहिए मेरे को सेवा का। मैं 6 साल, मेरी कोई उम्मीद नहीं, मैं हारूं तो भी कभी नहीं खड़ा होऊंगा, और जीतूं तो भी नहीं। मैं एक बार 5 साल मेरे को सेवा का अवसर दे, ये मेरा प्लान है, और कोई ऐसा मेरा कोई लक्ष्य नहीं। चुनावी मैदान में मैं लोक पार्षद के रूप में जनता के बीच में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं जनता के सेवक के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ, और जनता की जो भी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए मैं पूरे जी जान से लगूंगा, यही मेरा मतलब जनता से आग्रह है। आपके सामने दो कैंडिडेट और हैं, एक कांग्रेस के और एक निर्दलीय, इनको किस प्रकार से आगे? दोनों कैंडिडेट अपने अपने स्तर पे मतलब जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन लोगों का अगर फीडबैक यानी कि जनता देखेगी, जनता स्वयं मतलब जो उस चीज़ का आकलन करेगी कि जनता के बीच में 24 घंटे सेवा कौन देगा, इस चीज़ का आकलन भी स्वयं जनता ही करेगी। जीते चुनाव तो वार्ड में क्या करोगे महत्वपूर्ण कार्य? जो भी जनता के महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे वरिष्ठों को पेंशन दिलवाना, जैसे वार्ड में अनेकों अनेक रोड, नाले, स्ट्रीट लाइट, नल पाइपलाइन है, यानी कि जो भी मूलभूत, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास, मतलब इस प्रकार के जो जनहितैषी कार्य हैं उनको प्राथमिकता देंगे। किन मुद्दों को लेकर के वार्ड नंबर 5 में चुनाव लड़ रहे हो, चुनावी मैदान में हो? इसलिए कि यहाँ तो गरीबी रखा है, कूपन बने ही नहीं यहाँ लोगों के, हम बनाए हो यहाँ। वो क्या है कि नालियाँ, मच्छर, चिकनगुनिया, मलेरिया वगैरह सब हो रहा है, कीचड़, दवाई भी छिटक रहे, कुछ नहीं, नालियाँ गंदी, कोई सफाई भी नहीं करता है, ये बिल्कुल सफाई, बीमार हो रहा है लोग, बहुत हालत ख़राब है। तो हम आएंगे, दवाई भी छिटकेंगे, सफाई करवाएंगे, और कूपन घर बनवा के घर घर देंगे हम गरीबी रेखा का। जो लोग परेशान हो रहे हैं वहाँ जाके, उनको अपन वहाँ जाने नहीं, अपन बनवाए घर पे भिजवाएँ कूपन। तुम्हारे सामने दो कैंडिडेट और प्रत्याशी खड़े हैं चुनावी मैदान में, उनको किस प्रकार से आंकते हो? अरे वो कोई सेवाभावी नहीं है, उनको कर्मठ भी नहीं, वो क्या है, काम ही नहीं किया उनने, सब पब्लिक परेशान है। पब्लिक पहले भी पार्षद रह चुके, उनने कुछ काम किया? कुछ काम नहीं किया, गए नहीं, कोई पार्षद ही नहीं गया, कोई पब्लिक, हम जा रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि हमारा कोई नहीं आ रहा, ये पहले भी रह चुके जो अभी है हमारे सामने, गए नहीं है पब्लिक के पास। ठीक।